नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो द थिंग्स में। आज हम आपको सीवर लाइन डालने का पूरा प्रोसेस समझाने वाले हैं, तो आइए चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले रोड की खुदाई का काम प्रारंभ होता है, तो इसके लिए कटर की सहायता से रोड के ऊपर के कंक्रीट को एक झर्री के रूप में काट लिया जाता है। उसके बाद ड्रिलिंग वाइब्रेटर से रोड को तोड़कर खुदाई की जाती है और सीवर की मेन लाइन डालने के लिए ट्रेंच तैयार की जाती है। अब देख सकते हैं दोस्तों आप कि मेन लाइन डालने के लिए ट्रेंच तैयार हो चुकी है। कई जगह पानी के कनेक्शन फूट जाने की वजह से यह ट्रेंच अभी पानी से भरी हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, सीवर लाइन का कार्य करने में मेन चैलेंज पानी के कनेक्शनों का होता है। अक्सर रोड में दबे हुए पानी के कनेक्शन टूट जाते हैं, जिससे ट्रेंच में पानी भर जाता है। उसके बाद डी वाटरिंग का कार्य बार बार करना पड़ता है, इसीलिए लेबर को बड़ी सावधानी से रोड की खुदाई करनी पड़ती है कि कहीं पानी का कनेक्शन न टूट जाए। अब दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार डी वाटरिंग का कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, अब हमारी मेन लाइन डाल दी गई है तो मेन चैम्बर बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। इस मेन चैम्बर में सामान्यतया 4 घरों का कनेक्शन किया जाता है और इसकी लोकेशन ऐसी जगह चूज की जाती है जहां से चारों घर नजदीक पड़े। अब दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार मेन लाइन को काटकर कंक्रीट की फाउंडेशन बनाने की तैयारी की जा रही है। कंक्रीट के फाउंडेशन बनने के बाद उस पर मेन चैम्बर रखा जाना है। तो दोस्तों, ये हमारा 4 घरों का एक मेन चैम्बर है जिसे रख दिया गया है। अब मेन चैम्बर के चारों तरफ मिट्टी डालकर इसे ढक देंगे। अब मेन चैम्बर से हर घर की आईसी को जोड़ा जाना है। इसके लिए मेन चैम्बर में हर घर के लिए अलग कनेक्शन दिया जाना है। उसके लिए इस समय मेन चैम्बर में ड्रिलिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार के चैलेंजेस का सामना सीवर लाइन डालने में करना पड़ता है, और आप देख सकते हैं कि कैसे पानी की लाइन भी ड्रिलिंग करते टाइम बीच में आ रही है। मेन चैम्बर को आईसी से जोड़ने के लिए पाइप की कटिंग कर ली जाती है और पाइप का थोड़ा सा मुंह मेन चैम्बर में निकालकर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। अब दोस्तों, प्रत्येक घर के लिए आईसी डालने का काम शुरू होता है। इस समय ध्यान में रखा जाता है कि आईसी की ऊंचाई अधिक रहे ताकि पानी का बहाव आईसी से मेन चैम्बर की तरफ रहे। इसीलिए आईसी के फाउंडेशन को थोड़ा ऊंचाई पर रखा जाता है। आईसी की बनावट इस प्रकार होती है कि उसमें 2 छेद होते हैं, जिसमें एक में पानी का इनफ्लो रहता है और एक में आउटफ्लो रहता है। आईसी के आउटपुट वाले छेद को ही मेन चैम्बर के साथ जोड़ा जाता है। उसके लिए पहले
आईसी को सही ढंग से व्यवस्थित किया जाता है ताकि आईसी का आउटफ्लो वाला छेद और मेन चैम्बर के छेद पाइप की सीध में आ जाए और ढलान भी बनी रहे। जब आईसी से मेन चैम्बर का पूरा कनेक्शन हो जाता है और पाइप का थोड़ा टुकड़ा आईसी में और थोड़ा मेन चैम्बर में निकल जाता है, तब कनेक्शन को सीमेंट की सहायता से सेट कर दिया जाता है। अब दोस्तों मेन कनेक्शन हो चुका है, अब इसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार गलियों में सीवर लाइन डाली जाती है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों सीवर लाइन डालने के समय किस प्रकार के चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अब सीवर लाइन का काम ख़त्म हो चुका है, अब पानी की लाइन डलने का काम शुरू हो गया है, जिसमें सिंपली मेन पानी की लाइन को डालकर हर घर को कनेक्शन दे दिया जाता है। उसके बाद हर कनेक्शन पर मीटर लगा दिया जाता है और वहां प्रेशर गेज की सहायता से प्रेशर चेक कर लिया जाता है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।